देवा गुजर हत्याकांड के मास्टरमाइंड भैरू गुजर की गिरफ्तारी के बाद बड़े राज खुल के सामने आए हैं। SIT टीम द्वारा भैरू गुजर को गिरफ्तार कर 3 दिन के रिमांड अवधि पर बड़े खुलासे किए, भैरू गुजर को बेगू जेल भेज दिया। आपको बता दें कि देवा गुजर हत्याकांड का मास्टरमाइंड भैरू गुजर बड़ा सातीर निकला। देवा गुजर हत्याकांड का पूरा प्लान भैरू गुजर ने ही बनाया था। भैरू गुजर ने अपने छोटे भाई वो जीजा व अपने बेटे कालू गुजर के साथ मिलकर इस प्लान को बनाया। भैरू गुजर ने बताया है कि देवा गुजर पिछले 5 सालों से इतनी तरक्की कर रहा था, आने वाले दिनों में हमारा वर्चस्व खत्म होता जा रहा था। अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए देवा गुजर को रास्ते से हटाना जरूरी था। RAPP प्लांट में वसूली के खेल को लेकर भैरू गुजर ने बड़ा खुलासा किया है। भैरू गुजर ने इस वसूली को लेकर बड़े राज खोले हैं। भैरू गुजर ने बताया है कि बड़े बड़े ठेकेदारों से वसूली की जाती थी, जो पैसा नहीं देता था उसके साथ मारपीट फिरौती वह धमकाना उनका काम था। देवा पिछले कुछ सालों से इस प्लांट में ठेका लेता और वसूली भी नहीं देता। देवा गुजर को कई बार समझाया लेकिन देवा गुजर नहीं माना। आखिरकार देवा गुजर को हमने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और प्लान कामयाब भी हो गया। देवा गुजर हत्याकांड का मास्टरमाइंड सातीर भैरू गुजर 1 महीने से फरार चल रहा था। जैसे ही पकड़ा गया पूरे राज खोल के रख दिए। पूछताछ में SIT टीम को सौखा देने वाले खुलासे किए हैं। पल पल की न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।